नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स में वापस से तेजी लौटते हुए दिख रही है। काफी बढ़िया मूव देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली शिपिंग के मजगांव डॉक में काफी अच्छी इंटरेस्टिंग तेजी आ रही है। 47.20 का लेवल ये स्टॉक निकालते हुए दिख रहा है। कल भी इस स्टॉक में एक अच्छा मूव था और आज भी काफी अच्छा मूव फॉलो होता हुआ दिख रहा है। ये सब तब हुआ है जब कल डीएसी की मीटिंग आई। पहले तो इसलिए भागे कि डीएसी की मीटिंग है, अराउंड 70,000 करोड़ तक के कुछ अप्रूवल्स आ सकते हैं, आगे चलकर हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन जब आउटकम आया तो 70,000 करोड़ का फिगर नहीं आया, फिगर आया 1,45,000 करोड़ का, मोर देन डबल फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। तो उसके बाद इन स्टॉक्स में तेजी बनती है, काफी ज्यादा शानदार तेजी बनती है और बन भी रही है। अब मैं आप सभी के साथ पहले तो पूरे डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स को कवर कर देता हूँ एक एक करके, फिर आपके साथ डिटेल में और डिस्कशन भी करना है। वैसे तो मैंने कल जब अपडेट आई थी तभी आपके साथ कह दिया था, सारी चीजों को डिस्कस कर दिया था कि अच्छी खबर है, पॉजिटिव है, चल सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स पे स्टिल मुझे वीक दिख रहे हैं, लेकिन HAL में 5050 का लेवल दिया था, मजगांव में 4600 का लेवल दिया था, 4600 निकल गया है, मजगांव 120 रुपये और ऊपर आ गया है, और HAL अभी टेक्निकली 5050 के ऊपर नहीं निकला है, निकलने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई दोबारा से उठाया जाए क्या, वेट कर लो, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली मिल रहे हैं, नो डाउट आएंगे, बड़े लेवल पे आएंगे, कंपनियां भी स्ट्रांग हैं और वैल्यूएशन टर्म में भी मजगांव शिपिंग में और डिफेंस में HAL ये थोड़े सही दिखते हैं। बाकी तो दोनों ही सेगमेंट में दो दो कंपनियां और मैं कंसीडर करता हूं, लाइक शिपिंग में गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड जो मेरे को महंगे दिखते हैं, और डिफेंस में HAL के बाद BDL और BEL जो थोड़े थोड़े महंगे हैं, स्पेशली BDL, BEL तो फिर भी एक बार जस्टिफाइड है। अब इन कंपनीज के बारे में बात करें तो दोस्तों, इनके लिए ना वैल्यूएशन प्लस ऑर्डर बुक दो बड़ी चीजें हैं इस समय। ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, ऊपर से इतने ऑर्डर्स और खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल HAL की पर्टिकुलरली बात करूँ तो 1,25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो रही है, और ये जो 1,45,000 करोड़ का अनाउंसमेंट आया इसमें से भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा इन्हें, डेफिनेटली मिलेगा। कुछ सिंगल एंटिटीज के ऑर्डर आ सकते हैं इनके पास जिसकी कीमत अराउंड 20,000 से 30,000 करोड़ की हो सकती है पोजिशनल बेसिस पे। तो ये काम काज बहुत है इनके पास, बहुत बड़े लेवल पे काम पड़ा है, और गवर्नमेंट कह रही है कि 50,000 करोड़ ही बोला है, जी हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे अब हम डिफेंस में, तो वहां से भी इनके पास डेफिनेटली ऑर्डर आएगा ही आएगा। ये सारी चीजें इन्हें मजबूत बनाती हैं, लेकिन अगर करेक्शन हो जाए तो भाई वाह, मजे आ जाएंगे खरीदने के लिए। मैंने HAL पे 4200 का लेवल सजेस्ट किया था, लेने लायक होगा स्टॉक, खरीदना चाहिए, आया नहीं है वहां तक, 4600 4400 से ही घूमता हुआ दिख रहा है। वेट करना चाहूंगा मैं अभी स्टिल, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि देखो, तो तेजी आ रही है, वो भी तब आ रही है जब बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, बहुत बड़ी, और उसके बावजूद विदाउट वॉल्यूम तेजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स आ गए तो करेक्शन भी डेफिनेटली हो सकती है, एक नेगेटिव खबर आ जाए किसी दिन टूट जाएंगे स्टॉक्स। तो अभी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, मैं कॉन्ट्रा हो रहा हूं, इस समय कॉन्ट्रा होना अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत मानता हूं मैं, लेकिन इन स्टॉक्स में बिकवाली नहीं करनी है, बैठे रहना है। फ्रेश लगाने जा रहे हो तो 100 रुपये लगाने दे, लालच आ रहा है कि भैया ये नहीं गिरेगा तो 20 रुपये लगा लो, लेकिन 100 के 100 मत लगाना, ये अभी भी कहूंगा मैं आपसे। आगे बढ़े दूसरे स्टॉक की तरफ, मजगांव डॉक, ये तो HAL पे बात होगी, ठीक है जी। मजगांव डॉक की बात करें तो ये ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ऑर्डर्स आ सकते हैं ना 1,45,000 करोड़, इसमें ज्यादा ऑर्डर नेवी को मिलने की संभावना है और नेवी में ये लीड कर सकता है। अब अगर मजगांव डॉक की बात करें तो 4600 के ऊपर 5000 तक का मैंने आपके साथ शेयर किया था व्यू, स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, बट टेक्निकली अभी भी मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, अच्छा जरूर दिख रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम्स आज आए हैं ऐसे स्टॉक में, लेट्स सी स्टॉक क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि वन साइडेड जब गिरा है ना तो बीच बीच में ऐसे उछाल आए हैं स्टॉक में। अभी 5000 का लेवल है, 5000 तक मेरे को लगता है जा सकता है, और उसके बाद कैसा करेगा वो देखना होगा। 41 के पीई पे ये स्टॉक, मैंने आपसे कहा था अराउंड 3950 तक जाएगा, वहां पे हम कहीं ना कहीं से एवरेज करना शुरू करेंगे, बट ये भी नहीं आया तो अभी वेट करना ही चाहूंगा मैं थोड़ा बहुत। और अगला स्टॉक है BDL, डिफेंस है। BDL की बात करें तो ये भी 1% ऊपर है, ये अच्छा दिख रहा है आज टेक्निकल टर्म्स पे, बट स्टिल वेट करने की राय होगी। अभी टेक्निकली थोड़े से इसमें ऐसा लग रहा है कि सुधार आ रहा है, सस्टेन करने लगा है, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अभी रुकी है कुछ समय के लिए, मे भी हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए 1430 तक जाता हुआ दिखे, और अगर जाएगा तो फिर मान लेंगे कि ये जो अभी गिरावट में लो लगा है ये कहीं ना कहीं बेस का काम करेगा। अब जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक एडिशनल गिरावट नहीं आएगी, और अगर इसने ये लेवल ब्रेक करा तो 1000 रुपये से पहले नहीं रुकने का ये स्टॉक। नेक्स्ट है BEL, BEL की बात करें 298 है, ये कंसोलिडेशन में ही है दोस्तों, ये अभी तक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ही है, ये बिगड़ा नहीं है इसका चार्ट पैटर्न, बट ये अभी कुछ करने के मूड में दिख ही नहीं रहा, अराउंड 285 नीचे में, 310-305 ऊपर में, इस रेंज में फंस के रह गया है, 51 के पी पे ट्रेड करता है, तो इसे थोड़ा समय देंगे हम।
सिंपल राय ये है कि चाहे आप पे डिफेंस हो चाहे आप पे शिपिंग हो, होल्ड करना है तो, और नहीं है तो फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए, और वेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत लेके बैठे रहो, बाकी ज़्यादातर पैसा अपने पास कैश में रखो। यही कहना चाहूँगा, इससे दो चीज़ें होंगी, अगर ये स्टॉक टूट गई तो आप गिरावट में खरीद सकते हो, और अगर ये स्टॉक्स नहीं टूटे तो मार्केट इतना बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत विकल्प आपके लिए पैदा करेगा। और वैसे भी इस समय सिचुएशन देख ही सकते हो आप, बाजार ऊपर भी चला जाता है तब भी स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते हैं, और जब बाजार टूट रहा है तो स्टॉक्स टूटेंगे ही टूटेंगे। तो आप अगर कैश में रहोगे तो यू आर किंग, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप राजा हो, आपके पास पैसा है तो कहीं भी लगाओगे पैसा बन जाएगा। तो ये मेरा व्यू बन रहा है सिंपल सा, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।